मैं राकेश बंटी बत्रा, चेयरमैन नगर पालिका कलानौर, आप सभी साथियों को, व्यापारी भाइयों को जन क्रांति यात्रा होटल में शामिल होने की अपील करता हूं। आप सभी व्यापारी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 25 तारीख को होटल में जन क्रांति यात्रा में पहुंचकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। धन्यवाद। जय। हरियाणा की मशहूर डांसर और सिंगर गौरी रानी पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। दरअसल गौरी पर आरोप है कि 21 फरवरी को उसने अपने साथी के साथ मिलकर झज्जर के रहने वाले एक व्यक्ति को गोली मार दी थी। वो घायल व्यक्ति रोहतक पीजीआई में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पुलिस ने आज गुप्त सूचना के आधार पर गौरी और उसके साथी सुमित को सालावास क्षेत्र के पास से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि गौरी हरियाणा की मशहूर डांसर और सिंगर है। एक साल में गौरी ने स्टेज डांस और सिंगिंग कर सबको पछाड़ दिया। गौरी रानी का नाम सपना चौधरी की तरह ही हरियाणा के हर बच्चे, बूढ़े और जवान की जुबान पर है। लेकिन अब गौरी रानी पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं पुलिस ने दोनों के ही कब्जे से एक कार और एक पिस्तल को बरामद भी किया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में गौरी रानी और उसके साथी से पूछताछ में जुटी हुई है। 21 तारीख को हमें इत्तला मिली थी कि भाई सालावास कोसली रोड पर परविंदर सनोफ सतवीर जाटार और धनीरवास को गोली मार दी गई है, जो दाखिल रोहतक है। वहाँ उसके बयान पर FIR दर्ज कर दी और दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। कल दोषी से पिस्तौल और गाड़ी बरामद की जा चुकी है, जो आज पेश अदालत किए गए। दोषी का क्या नाम है? हाँ, इसके साथ एक लेडीज भी है जो हरियाणवी डांसर गौरी रानी के नाम से मशहूर है। ये है सुमित सन्नोफ बलवान आरो नया गांव बहादुरगढ़। तो क्या रंजिश थी इसकी? इसके खिलाफ पहले 3-4 मुकदमे बहादुरगढ़ में बताए जा रहे हैं। तो जिनको गोली मारे उनके साथ क्या रंजिश थी इसकी? वो इसका सगा जीजा जी है, इनके आपस में किसी बात पे विवाद है। सत्य खबर के लिए झज्जर से सन्नी खन्ना की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।